बुधवार को जिला आपूर्ति विभाग के कार्यालय पहुंची महिलाओं ने राशन डीलरों की शिकायत करते हुए हंगामा किया। महिलाओं ने लिखित में राशन डीलरों की शिकायत DSO को सौंपी। तहसील सरधना के पांचली बुजुर्ग के ग्रामीणों ने राशन डीलर मेसर्स सुमैया की शिकायत करते हुए बताया, राशन डीलर घटतोली करते हुए कम राशन देते हैं, कार्ड धारकों के अंगूठे लगवाकर राशन के लिए परेशान करते हैं, शिकायत करने पर राशन देने के लिए मना करते हैं, लोगों को दुकानों से भगा दिया जाता है। मेडिकल क्षेत्र के लोगों ने भी अपने क्षेत्र के राशन डीलर के खिलाफ शिकायत की। बताया गया है मेसर्स दीपक के नाम से राशन की दुकान है जो राशन वितरण करने में लोगों को परेशान करता है। हर कार्ड में एक यूनिट काट कर कम राशन देता है। कार्ड धारकों ने DSO राघवेंद्र कुमार से लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। नाम आपका? मेरा नाम व्याज है मंदिर जी। क्या मामला है, क्या समस्या है? तहसील सरधना जिला में समस्या ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। लड़की मतलब जो है एप्लीकेशन लगाई थी सर हमने राशन के खिलाफ, राशन नहीं देता, मुठा लगवा लेता है, उसके बाद जो है कहता है कि कल ले जाना परसों ले जाना, इस तरह से बोलता है सर। कौन है राशन डीलर? सुमैया है जी। अच्छा, बुजुर्ग में किस नाम से है दुकान? स्वयं सहायता समूह मदनी के नाम से है। अच्छा जी, तो कब से मतलब किसी को भी नहीं दे रहा राशन, किस तरीके से? बहुत ही कम लोगों को दे रहा है जी, और दबंग आदमी है जी, समूह भी इनका गलत है जी। अच्छा, समूह की भी जांच करी जावे इनकी, इसमें गुंडे लोग हैं समूह में जी। अच्छा, DSO ऑफिस आए हैं, यहाँ पर क्या कार्रवाई हुई, क्या आश्वासन दिया आपको? इन्हें कह रहे हैं सर कि कार्रवाई करेंगे हम, इन्होंने आश्वासन दिया है। आपने शिकायत की जी? हाँ, किया है, ये करेंगे, ठीक है, नहीं तो हम DM के यहाँ जाएंगे। इन्होंने कोई उच्च अधिकारी के यहाँ समय दिया आपको? हाँ जी, समय दिया कि मिल लो आप उनसे, नीरज जी से।